सानिया मिर्जा ने अपनी जिंदगी को पन्नों पे उतारने की कोशिश करी है। सानिया, मैं से आधी जिंदगी बोलूं या पूरी जिंदगी बोलूं? अभी तक की जिंदगी बोले आई थिंक, क्योंकि ये है शुरुआत से लेके अभी तक मेरी लाइफ में जो जो हुआ है और बहुत कुछ हुआ है, तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड दैट आई बीन एबल टू राइट ऑटोबायोग्राफी एट सो अर्ली इन माय लाइफ। जहन में कैसे आया इतनी, मतलब बहुत बेसिक सवाल है कि इतना जल्दी, और अभी आपका टूर चल रहा है, अभी प्रिपरेशन चल रही है रियो ओलंपिक के लिए, आपने एक दो साल पहले ही प्लान कर लिया होगा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, जहन में कैसे आया पहले? आई थिंक बस ऐसे ही आया, क्योंकि आई वॉन्टेड टू से माई स्टोरी फ्रॉम माई साइड, कभी मेरी तरफ से आई डोंट थिंक पीपल रियली हर्ड वट आई फेल्ट इन डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, चाहे वो विक्ट्रीज हो, लॉसेज हो, या इमोशंस हो, या कुछ भी, कोई भी इमोशन, तो एंड नो मैटर हु आई टोल्ड दैट टू, आई डोंट थिंक वो हमेशा उनके इंटरप्रिटेशन से था एग्जैक्टली मेरे from the horse's mouth, so to say, nahi tha. So I felt like I owed it to myself and owed it to my family and to my fans to share it with everybody. Autobiography likhna koi aur story likhne ke jaisa nahi hai, because aap actually you're writing your own story, the things that have, the events and the emotions that have happened in your life. So it's not that you basically just have to remember how you felt at the time. And there are lots of things that are still close to my heart, jo, you know, if something has happened to me 10 years ago, I still feel those emotions when I think about it. So it's a lot easier to write it. आपने कुछ ऐसे moment share करे हैं अपनी कहानी में जहाँ आप अपने लिए अपने आप को मानती हैं कि चीजें हुई? आई थिंक जैसे मैं हमेशा से कह रही हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो अप इन द लाइमलाइट, तो मैंने बार बार ये बात इसलिए कही है क्योंकि आई थिंक जब तक कोई उस चीज़ से गुजरता नहीं है उनको आइडिया नहीं होता कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी स्क्रूटनाइज एट एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर अ टीनेजर, व्हेन यू आर यंग एंड यू आर नॉट सिक्योर अबाउट योर सेल्फ एंड इफ यू डोंट नो हु यू आर एज अ पर्सन, यू आर स्टिल बिकमिंग, एंड आई थिंक ये चीज़ें मैंने ज़रूर शेयर की है, बिकॉज इन दोज मोमेंट्स यू रिएक्ट अ सर्टन वे। शायद मैं 18 साल की उम्र में जैसे मैंने रिएक्ट किया, शायद आज मैं उस तरह रिएक्ट नहीं करती, ए बिकॉज आई एम ओल्डर, बी बिकॉज आई हैव हैड अ लॉट मोर एक्सपीरियंस, एंड सी बिकॉज आई थिंक आई एम जस्ट बेटर इक्विप्ड टू डील विद इशूज, एंड वेदर इट्स हैप्पीनेस और सैडनेस, आई एम बेटर इक्विप्ड टू डील विद इट। तो ये चीज़ें ज़रूर मैंने शेयर की हैं, सो चाहे वो उसे आप गलती कहें या उसे बचपना कहें या उसे आप बस ब्रैश टीनेजरहुड कहें, जो भी कहें, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज ऑल पार्ट ऑफ माई स्टोरी। शुक्रिया मुझसे बात करने का। सानिया मिर्जा हमारे साथ थी, कैमरा पर्सन अशफ के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया मुंबई। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।